6 बजे हमको मार मार के उठाया जा रहा है। आराम से 8-8:30 बजे हम निकलते थे, और ऐसा नहीं कि टेलीविजन सीरियल्स की तरह रात को लगे हुए 3 बजे तक शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमने वहाँ मस्ती भी की, एंजॉय भी किया, हमको खाना भी अच्छा मिलता था। ये नहीं कि पतली दाल मिल रही है और एक सब्जी मिल रही है, नहीं जी, मटन चिकन भी मिलता था और अच्छा खाना मिलता था। और सिर्फ एक मुसीबत थी, इन्होंने जहाँ शूटिंग रखी लोकेशन, एक तो वो पहाड़ी के ऊपर थी, कंडा घाट जगह का नाम था, कसौली के नज़दीक थी हिमाचल में, उसमें कुछ 105 सीढ़ियाँ थी और हम उसको 3 किश्तों में चढ़ते थे। पहले 30 सीढ़ियाँ, फिर रुक गए, रास्ते में चाय पानी मिलता था, फिर 40 और चढ़ गए। तो ऐसे करके मेरे जैसे बोल, ये तो एक साथ 105 सीढ़ियाँ, उसके बाद पूड़ियाँ दबाते थे ये, पराठे दबाते थे, है नहीं? तो माशाल्लाह। अरे भैया, मेरे दोस्त मेरी बात सुन रहे हैं, अरे गरीब आदमी हूँ, जब अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनते हैं, शाहरुख खान की बात सुनते हैं, हमारी भी सुन लिया करो कभी कभी। ओमपुरी साहब बैठे हैं, जिनकी आवाज़, जिनका बोलना पूरा हिंदुस्तान ही नहीं एशिया वाकिफ है, ये कई चीज़ें इनकी आवाज़ से उनका इफ्तिताह हुआ है। और कादर खान साहब है जिनकी आवाज़ दहाड़ है और कुव्वत नुत्ख, मतलब बोलने की ताकत जो, और लिखने की ताकत, अदाकारी की सलाहियत है। और जितना यहाँ पर ओमपुरी साहब ने बोला है, मेरे लिए बोलने के लिए, मतलब मैं उस मकाम पे आ गया जहाँ मेरा एक दोस्त था पप्पू, वो उसके घर वालों ने ज़िद की कि तुम अंग्रेज़ी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तुमको उर्दू हमने घर में सिखा दी, हिंदुस्तानी सिखा दी। तो लेट उम्र में स्कूल में गया अंग्रेज़ी पढ़ना, इम्तिहान का टाइम था, तो एक कॉम्पोजिशन था, एक निबंध था, एक मजमून था दोस्त पे, तो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा रजाक मेरे को इंग्लिश पे दोस्त पे एक कॉम्पोजिशन लिखना, मेरे को पढ़वा दे, रट्टा मरवा दे, तो मैं कर लूँगा। मैंने उसको सिखा दिया दोस्त के बारे में कि इंग्लिश अंग्रेजी में किस्सा सुना, जाके पढ़ लिख दे तो पास हो जाएगा। अब जिस दिन एग्ज़ाम था, उसकी बदकिस्मती फ्रेंड की बजाय फादर्स डे था, तो वो मजमून लिखना पड़ा उसको फादर पे,
लेकिन हमारा दोस्त पप्पू डरा नहीं, मेरा दोस्त था, डरेगा कैसे। तो उसने सिर्फ मजमून का खाका बदल दिया, बजाय दोस्त के बाप का लिखने लगा, लेकिन जो उसको याद था। और जब वो एग्जामिनर ने उसका पेपर पढ़ा तो वो आज तक कोमा में है। तो वो क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ। नसीब डायरेक्टर बल्कि प्रोड्यूसर और ऑल द एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, मुझसे बेहतर एक्टर्स, मुझसे बेहतरीन अदाकार जिनको हम संगील मानते हैं, जिनकी जिनसे रोशनी लेकर के हम जहाँ भी एकाध कदम भी चलने के आज लायक हुए, कादर खान साहब हैं, ओम पुरी साहब हैं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि फिल्म में भी काम करना तो कुछ उनके दर उनके साथ में बैठा हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा शर्फ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर वन मोर क्वेश्चन, पहली मुलाकात और उसमें ये जितने भी थेस्पियन है, ओम पुरी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, रजा खान, ये सब थेस्पियन थे, इनके साथ काम करने का मौका मिला। एक साथ कुछ लोगों ने मुझे सांस में रखने से इनकार कर दिया। अब मेरे हालात थोड़े नरम पड़ गए। आई वॉज लिटल अनवेल एंड दोज पीपल refuse to take me back in films. ये फौजिया जी थी, ये थी हमेशा मेरे आगे पीछे रही, मेरी हिम्मत बढ़ाती रही। मैंने इनके साथ काम किया। बात करें आपकी केमिस्ट्री बहुत सभी एक्टरों के साथ, बच्चन साहब की या रोहिता कैसे याद करते हैं उन दिनों को, और लेवल ऑफ राइटिंग में कितना फर्क आपको नजर आता है? लेवल ऑफ राइटिंग में फर्क तो आया है। अब मैं राइटर, मुझे आना चाहिए, आई शुड कम बैक। और